नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, अभी हाल ही में आईटीबीपी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, आईटीबीपी एएसआई स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईटीबीपी एएसआई स्टेनो का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनोग्राफर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में डाउट बनी हुए, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एएसआई नोटिफिकेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज के बारे में है, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एएसआई वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल जो कि कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई स्टेनोग्राफर के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई के 286 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 8 जून 2022 से 7 जुलाई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एएसआई भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एएसआई वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी फिजिकल में कौन कौन से आपसे इवेंट करवाए जाएंगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एंड एएसआई वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल मेल की अगर बात करें तो इसमें टोटल 135 पोस्ट है, जिसमें से अगर बात करें तो जनरल के लिए 55 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 22 पोस्ट है, एसटी के लिए 20 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 24 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल अगर बात करें फीमेल की तो इसमें 23 पोस्ट है, जनरल की 10 पोस्ट है, इसमें से एससी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 28 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है। तो टोटल अगर बात करें तो 23 पोस्ट है वो किसकी है, हेड कांस्टेबल फीमेल की। एक बार ये आपको पोस्ट चेक कर लेनी, दोबारा इसमें शायद प्रिंटिंग में मिस्टेक मिलेगी, टोटल इसमें 23 पोस्ट है, ये आपको दोबारा बता दी जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख भी सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें हेड कांस्टेबल की जो कि एलडीसीई में, तो इसमें टोटल 90 पोस्ट है, जिसमें से 74 पोस्ट है वो जनरल की है, एससी कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट है और एसटी के लिए 8 पोस्ट है। अगर बात करें एएसआई स्टेनो की मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 19 पोस्ट है, जिसमें से 7 पोस्ट जनरल की है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। एएसआई स्टेनो की अगर बात करें फीमेल की तो टोटल 2 पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए और एक जनरल कैटेगरी के लिए। एएसआई एलडीसीई की अगर बात करें स्टेनो की तो टोटल 17 पोस्ट है, जिसमें 14 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 2 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 286 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल मेल की अगर बात करें तो आपको 12वीं कक्षा पास और टाइपिंग आपको आनी चाहिए, यही आपका फीमेल कैटेगरी में शामिल है। अगर बात करें हेड कांस्टेबल एलडीसीई में अगर बात करें तो आपको 12वीं पास और प्लस में आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए और साथ में आपको आईटीबीपी सर्विस ऑफ 5 ईयर यानी 5 साल आपको सेवा देते हुए आईटीबीपी हो गए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एएसआई स्टेनो की अगर बात करें मेल कैंडिडेट की और फीमेल की तो दोनों में क्या है, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपकी स्टेनो आपको क्या है क्यू होनी चाहिए। अगर बात करें एएसआई स्टेनो की एलडीसीई में तो आपके पास 12वीं कक्षा पास, स्टेनो आपको आनी चाहिए और 5 साल आपको क्या है सेवा देते हुए हो गए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाएगी वो छूट यहाँ पे भी आपको प्रदान की जाएगी, जिसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी आराम से देख भी सकते हो। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आईटीबीपी
हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 8 जून से शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट की आपकी 7 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो, यानी 7 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। उसके बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 100 रुपये फीस रखी गई है। फीमेल जो कि एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनका फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो आईटीबीपी की जो आपकी हेड कांस्टेबल की जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइबल या एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों की अगर बात करें तो आपकी हाइट है वो मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर हो सकती है, फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 86 से 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, सॉरी 76 से 81 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, यानी मिनिमम चेस्ट आपकी बिना फुलाए 76 होनी चाहिए और मैक्सिमम फुलाने के बाद आपकी 81 सेंटीमीटर हो सकती है। अगर बात करें बाकी सभी के लिए आपकी जो हाइट है वो जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र से हो गए या फिर मराठी क्षेत्र से हो गए, गोरखा से हो गए, उनकी भी क्या आपकी सेम रहेगी। इसके अलावा जो बच जाती है बाकी फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज यानी एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन अबोव जो कि बाकी ऊपर की छोड़ के उनकी अगर बात करें तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 155 सेंटीमीटर हो सकती है, और चेस्ट की अगर बात करें ओनली मेल कैंडिडेट की तो 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट वो कम से कम होनी चाहिए और आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर चेस्ट वो फुलानी होगी। अब बात करते हैं रेस के बारे में। तो आईटीबीपी रेस की अगर बात करें तो आपकी रेस मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस है वो आपको 7.30 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर बात करें 11 फीट लॉन्ग जंप की तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे, कम से कम आपको 11 फीट लॉन्ग जंप लगाना है। हाई जंप की अगर बात करें तो 3.5 फीट आपको लगाना है, 3 चांस आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो रेस आपकी 800 मीटर की है, 4.45 मिनट में आपको क्या रेस पूरी करनी है। 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस आपको दिए जाएंगे, 3 फीट का हाई जंप होगा, 3 चांस आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। तो जो भी आप मैक्सिमम लगाते हो वही क्या इसमें काउंट होगा। अब बात कर लेते हैं कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो हेड कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो जनरल क्या क्या आएगा इसमें, जनरल अर्थमेटिक आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और आपका जो कंप्यूटर नॉलेज का आएगा वो आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। तो आपको जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताया जा रहा है वो आपका जो प्रीवियस ईयर का है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। नया जब भी जारी हो जाएगा तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा या फिर आपको नई एक वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। बात करते हैं थोड़े पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो लिखित परीक्षा ओएमआर के आधार पर आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, समय अवधि 3 घंटे की दी जाएगी। लिखित परीक्षा में योग्यता अंक सामान्य और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 35% और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 33% अंक आपको कम से कम लेके आने हैं। लिखित परीक्षा के बाद 20 अंकों का एक स्किल टेस्ट भी आपका आयोजित किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एएसआई का सिलेबस क्या रहेगा। तो आईटीबीपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी स्टेनो का एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। पेपर सेकंड आपका होगा जिसमें सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा आपका। ये आपका सब्जेक्टिव होगा, पेन पेपर बेस पे आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं पेपर के बारे में तो लिखित परीक्षा ओमर के आधार पर होगी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपका पेन पेपर बेस होगा। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी और 2 घंटे का आपको समय वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, यानी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एंड एएसआई का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल अर्थमेटिक का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल एंड ग्राफ से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे।
बात करते हैं कंप्यूटर का क्या क्या आएगा इसमें। कंप्यूटर से संबंधित आएंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट यूजेज, वेबसाइट सर्फिंग, एमएस ऑफिस टाइपिंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर टूल से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज, इसमें क्या क्या आएगा, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर के नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस डे एंड डेट, फेमस बुक एंड ऑथर, बोटेनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंट और इंडियन कल्चर और आपकी करंट जीके वो आपकी इसमें पूछी जाएगी। बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, टेंस, आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पेजेस, सिनोनिम्स, वर्ब, एरर करेक्शन, एंटोनिम्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वोकैबुलरी, एडवर्ब, ग्रामर और एडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट है वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस जो कि आपका एएसआई में पूछा जाएगा, तो रीजनिंग एएसआई में आएगी, क्या क्या आएगा इसमें, नॉन वर्बल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, एनालॉजी, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, बर्ड लेसन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अमेडेड फिगर, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब एंड डाइस, नंबर रैंकिंग, डायरेक्शन और मिरर इमेज से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और एएसआई की सैलरी बारे में अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल की बात करें जो डायरेक्ट एंट्री और एलडीसी की दोनों की आपकी पे स्केल 4 लगेगा इसमें, और आपका पे मेट्रिक लेवल क्या रहेगा इसमें, 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी होगी अकॉर्डिंग 7 CPC के अकॉर्डिंग, यानी सातवें वेतन के आयोग के अनुसार आपकी सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। बात करते हैं एएसआई की, तो एएसआई की सैलरी बारे में अगर बात करें तो पे स्केल आपका इसमें 5 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में आईटीबीपी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और एएसआई के वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, आईटीबीपी एएसआई का सिलेबस क्या रहेगा, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईटीबीपी एएसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इसके बारे में जानना जरूरी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।